वेल हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ पैरट ऑफ किचन मोनिका और आज हम बनाने वाले हैं बीट रूट हलवा। ये हलवा हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी है। आपने गाजर का हलवा तो बहुत खाया होगा, आज ट्राई करते हैं बीट रूट हलवा। इंग्रेडिएंट्स पे नज़र डाल लेते हैं। हम लेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी, आधा टेबल स्पून इलायची पाउडर, 1 कप ग्रेटेड बीट रूट्स, 2 कप आमंड मिल्क या प्लेन मिल्क ले सकते हैं आप अगर आपके पास आमंड मिल्क नहीं है, 1/2 कप पाम जैगरी या गुड़ या शुगर, कंडेंस मिल्क गार्निश के लिए, पिस्ताशू या आमंड्स गार्निश के लिए। सबसे पहले 1 टेबलस्पून घी लेंगे एक पैन में और जैसे ही वो गर्म हो जाता है हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर और अब डालेंगे ग्रेट किया हुआ 1 कप बीटरूट। इसे हमें अच्छे से घी में सेकना है ताकि सारा जो पानी है वो निकल जाए, सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है। उसके बाद हम डालेंगे 2 कप आमंड मिल्क। अगर आपके पास आमंड मिल्क नहीं है तो आप नॉर्मल मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं और 10 से 12 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। इसको चलाते रहिए नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा और इसे हमें ड्राई होने तक अच्छे से पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे पाम जैगरी, आप चाहें तो शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुक करना है जैगरी डाल के 10 से 15 मिनट तक। चलाते रहिए नहीं तो ये चिपक जाएगा नीचे। अच्छे से ड्राई होने पर ये तैयार हो जाएगा। अब हम इसे प्लेट करेंगे। सबसे पहले बीटरूट हलवा और उसको डेकोरेट करेंगे थोड़े से कंडेंस मिल्क के साथ और अब इसे गार्निश करेंगे पिस्ताशू और आमंड्स के साथ। तैयार है हमारा हेल्दी और टेस्टी बीटरूट हलवा। ऐसे ही हेल्दी और टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें पायरेट ऑफ किचन, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो मुझे टैग करना ना भूलें। टाटा।